नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नत्थूपुरा में 7 जनवरी से गायब बच्चे का शव घर के पास ही एक घर में मिला, जहां बच्चे की हत्या कर शव को एक सूटकेस में रखा गया था। पुलिस ने आसपास के सभी घरों की तलाशी ली थी, लेकिन स्वरूप नगर थाना पुलिस ने जिस घर में डेड बॉडी मिली उस घर की तलाशी नहीं ली थी। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें आरोपी पर कई दिन पहले भी शक हो गया था और पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही से बच्चे की हत्या तो हुई उसके बाद, बल्कि उसका शव भी करीब 1.25 महीने बाद बरामद हुआ। हत्यारा पीड़ित परिवार का नज़दीकी है, जिसे बच्चा अपना चाचा मानता था, और आरोपी दिल्ली में इसी परिवार के पास रहकर UPSC की तैयारी करता था। जिस परिवार ने उसको दिल्ली में आसरा दिया, खाना दिया, उसी परिवार के 7 साल के बच्चे की हत्या कर उस दरिंदे ने कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या थी हत्या की वजह, यह अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है और ना ही यह पीड़ित परिवार यह बात समझ पाया है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक 7 साल के बच्चे की दिल दहला देने वाली वारदात में बड़ा खुलासा हुआ। असल में 7 साल के आशीष को उसके मुंह बोले चाचा अवधेश ने 7 जनवरी को बच्चे को उस वक्त किडनैप किया जब वो घर के पास खेल रहा था। उसने बच्चे को साइकिल दिलाने का लालच दिया और फिर बच्चे को किडनैप करके थोड़ी दूर पर अपने किराए के कमरे में गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसे अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके कमरे में सूटकेस में रख दिया। इसने अपने कमरे में कुछ मरे हुए चूहे भी रखे हुए थे। जब पड़ोसियों को बदबू आती थी यह कहता था कि चूहा मरा हुआ, और अंदर से एक मरा चूहा लाकर भी दिखा दिया। बेहद अच्छे से पैक की थी बॉडी। कमरे में बहुत सारे परफ्यूम रखे थे जिन्हें बॉडी पर छिड़कता रहता था। अवधेश ने इलाके में और बच्चे के माँ बाप को बता रखा था यह CBI में है और सबके बच्चों की नौकरी लगवा देगा और UPSC अटेम्प्ट कर चुका है, ये इलाके में बताता था। पहले अवधेश बच्चे के घर में ही रहता था, लेकिन बच्चे के पिता को लगा कि अवधेश को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है और पूछताछ में अवधेश ने बताया कि इलाके के लोग बताते थे कि बच्चे के माता पिता उसे गाली देते हैं, तो गुस्से में उसने मार दिया बच्चे को और 15 लाख फिरौती मांगने का प्लान था, लेकिन वो बॉडी को डिकम्पोज नहीं कर पाया इसलिए फिरौती नहीं मांगा। लगाया 5:17 बजे बाद जो आ रहा है तो आगे खींच सी गया, अंदाज की यही कुछ गया वो आगे। अच्छा हाँ, इससे शक गया कुल मिला के। पुलिस को आपने बता दी थी शक हुआ है इस पे? हाँ, ये बात बता दी थी कि ऐसे ऐसे कह रहा था आशू। पुलिस क्या कहती? कितने दिन पहले बताई थी आपने ये बात? सर तारीख नहीं, नहीं लगभग लगभग 10-15 दिन तो हो गए होंगे। इस आरोपी दरिंदे अवधेश को यहाँ गली में लाया गया तो लोगों में बड़ा गुस्सा था और गम भी। कमरे में इस सूटकेस में बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। यहाँ पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पुलिस ने पूरी गली के घरों की तलाशी ली पर दरिंदे अवधेश के घर की तलाशी नहीं ली। साथ ही घर के दूसरे छोटे बच्चों ने बताया कि आशीष ने गायब होने से पहले बताया था कि चाचा अवधेश उसको साइकिल दिला देगा। साथ ही CCTV में अंतिम बार उसी घर तक बच्चा दिखाई दे रहा था, पर स्वरूप नगर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही रही कि उस घर की तलाशी नहीं ली गई। यहां पीड़ित परिवार ने सांप को दूध पिलाया। जिस शख्स को दिल्ली में आशियाना दिया और बच्चों की तरह रखा उसी दरिंदे ने बच्चे की जान ले ली। फिलहाल आरोपी दरिंदा पुलिस के गिरफ्त में है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जो 7 जनवरी से यहाँ सूटकेस में बंद था। इस मामले में DCP नॉर्थ वेस्ट ने मीडिया को फ़ोन पर डिटेल नहीं दी, जिससे साफ हो सके कि आखिर हत्यारे का इरादा क्या था। साथ ही SHO स्वरूप नगर तो आज दोपहर तक भी मर्डर की बात से ही नकारते रहे ताकि उनकी नाकामी उजागर ना हो। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से विजय सिंघाल की रिपोर्ट।